देखो एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः एक बटे दो और एक बटे तीन है यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं अलग अलग दोनों समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए पहला समस्या हल हो जाती है जब समस्या हल हो जाती है मतलब ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है इस केस में यूनियन निकालना पड़ता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि समस्या हो जाती है तो समस्या हो जाती है, मतलब ए भी कर सकता और बी भी, भी और क्या निकालना पड़ेगा हल कर सकता है तो तथ्यता कोई एक समस्या हल कर सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए ऐसी स्थिति होगी कि उस समस्या को हल करने बैठेंगे तो इस समस्या पहली बार में पहला सॉल्व कर लेगा दूसरा नहीं कर पाएगा यह भी हो सकता है कि दूसरा कर पाएगा पहला नहीं कर पाएगा तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था 13.13.2 क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन 13 का uh, 13, 13, 13, 13 वाला उसका थर्ड उसमें हमने कॉन्सेप्ट दिया था अब देखो यहाँ पर हमको सारी चीजें निकालना है इंग्लिश में क्या दिया है क्वेश्चन इंग्लिश में सुनो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाय ए एंड बी 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट फाइंड द प्रॉबी देट द प्रॉब्लम इज सॉल्व प्रॉब्लम सोल्व कब होगी जब ए और बी दोनों से एक साथ सोल्व कर पाएंगे और एक साथ सोल्व करने का मतलब क्या होता है दोनों का यूनियन निकालना पड़ेगा ठीक और यूनियन का फॉर्मूला हमारे पास दिखा हुआ है क्वेश्चन क्लियर है देखो गीवन अब क्वेश्चन दिया है तो मैं डायरेक्ट पीओ पर नहीं लिख रहा हूं पीओ पी ओफ पी ए लिख रहा हूं पीओ ए पी कितना दिया है मतलब ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए जो है वो अगर किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और बी अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई थ्री ये कि वन है क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अच्छा इंटरसेक्शन की जरूरत कहाँ पड़ रही है प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिलिटी ऑफ बी बताता हूँ कहाँ पड़ रही है प्रोबेबिलिटी ए कितना वन बाई टू प्रॉबलिटी भी कितना वन बाय थ्री वन बाई कितना आ जाएगा ये हमने फाइंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अब जरूरत पड़ेगी तो बाकी चीजें निकालेंगे लेकिन पहला क्वेश्चन इसके अंदर पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रॉब्लम इज सोल्ड समस्या हल हो जाती है प्रॉब्लम इज सॉल्व अब जब समस्या हल हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी निकालना पड़ेगा समस्या कब हल होगी जब दोनों कर पाएंगे ए इंटरसेक्शन भी दोनों कर पाएंगे साफ साफ समझना क्वेश्चन को जब भी हम यूनियन निकालते तो दोनों के एलिमेंट को साथ में लिखते और कोई भी रिपीट नहीं होता है तो अगर समस्या हल होने वाली बात है तो दोनों सॉल्व कर सकते हैं दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी वन बाई टू वन बाई थ्री और इंटरसेक्शन क्या निकाला हमने वन बाय सिक्स तीनों का एल्शियम कितना आया टू से थ्री थ्री वन जा थ्री से टू टू माइनस वन तीन दो पांच पांच में से एक जाएगा चार बटे छे चे. चेक करे टू बाई थ्री आ रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही इतना है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही समझ आया अब सेकंड क्वेश्चन समझना सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेकंड पहले का आंसर ठीक है सेकंड बोल रहा उनमें से को एक हल कर सकता है तो जब ये प्रॉब्लम है तो तथ्थेता, तथ्थेता बोला उसने एक साफ साफ एक वर्ड बोला तथ्यता इंग्लिश में लिखा हुआ है बो ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट और सेकंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम एग्जैक्टली वन तो इस स्थिति में क्या अगर यह प्रॉब्लम है तो exactly सॉल्व मतलब कर पा रहा है एक साथ दोनों काम को सॉल्व करने बैठ रहे ये काम है एक साथ दोनों बैठे तो इस स्थिति में इसने कर लिया इसने नहीं किया या ये भी हो सकता है कि नीचे वाले ने कर लिया ऊपर वाले ने नहीं किया तो हमको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं करने की प्रायिकता निकालना हैोबिलिटी तो uh, है, किसी घटना के घटित होने की घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्योरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑक्योरिंग इवेंट इक्वल कितना होगा वन तो पहले हमको इनकी किसी घटना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने की प्रायिकता निकालना है तो नहीं करने की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे इसको आधा ही बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना वन बाय थ्री दोनों का एलसीएम थ्री थ्री माइनस वन बाई थ्री अब सेकंड क्वेश्चन लिख रहा पर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर सकता है उनमें से कोई एक समस्या हल कर सकता है अब ऐसी स्थिति में हमको देखना है कि दोनों सॉल्व कर रहे तो एक स्थिति यह बनेगी कि एक हल कर पा रहा है एक नहीं कर पा रहा है फिर यह भी स्थिति हो सकती है कि दूसरा वाला कर पा रहा है पहला वाला नहीं कर पा रहा है ठीक है तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम इस स्थिति में क्या करोगे इस स्थिति में इसके एक लिखना ऐसी स्थिति बन रही है कि एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है मतलब अगर हम किसकी बात करें एक की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि इस बार एक कर पा रहा हो लेकिन इस बार बी नहीं कर पा रहा हो तो बी नॉट लगाएंगे मैं पूरा लिख देता हूं ए कर पा रहा हूं लेकिन बी नहीं कर पा रहा हो प्लस बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है लेकिन ए नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति बनेगी जब एक साथ दो केस आएंगे तो हम क्या लिख सकते ए ने समस्या का समाधान कर दिया लेकिन बी ने समस्या का समाधान नहीं किया मतलब ये सॉल्व नहीं कर पाया प्लस बी अगर कर पाया है इस स्थिति में तो उस exactly बोल रहा है साफ साफ वो इन ए नहीं कर पाया पायान बाय टू चेक करे वन बाय टू आ गया समझ आया कि नहीं आया बताओ क्वेश्चन क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको खुद से क्वेश्चन

तो प्रूव करना है शो करना है सो दैट क्वेश्चन फिफ्टीन सो दैट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है अब घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है इसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f अच्छा e और f दिया है e और f e और f इंडिपेंडेंट के लिए e इंटरसेक्शन f लेकर आना है प्रोबेबिलिटी ऑफ e इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो जो दिया है उसके हिसाब से निकालो e दिया हुआ है e दिया है निकाला गया पत्ता हुकुम का है अच्छा निकाला गया पत्ता हुकुम का है टोटल नंबर ऑफ कार्ड टोटल नंबर ऑफ कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स कुल पत्तों की संख्या नंबर ऑफ कार्ड कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई फिफ्टी टू और ई e और एफ की बात करेंगे ई e बोल रहा है निकाला गया पत्ता हुकुम का है ई e, निकाला गया पत्ता हुकुम का है इंग्लिश में द कार्ड ड्रॉन इज द कार ड्रॉन इज स्पेड अब देखो बावन पत्तों की गड्डी में एक पत्ते चार टोटल पत्ते तेरा एक पत्ते के चार पत्ते तो तेरह पत्तों के बावन पत्ते और हर एक पत्ते में हर एक पत्ते में एक हुकुम तो निकाला गया पत्ता हुकुम का है तो हर एक पत्ते का एक हुकुम होता है तो तेरा पत्तों के तेरा हुक्म होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम फेवरेबल आउटकम तेरा बटे बावन एक बटे चार इसमें कोई डाउट नहीं है एफ एफ <coughs> देखकर रखा हुआ है निकाला गया पत्ता इक्का हो कार्ड ड्रॉन इज एन एस निकाला गया पत्ता इक्का हो कार्ड

एन ऑफ एफ बाय ऑफ एस ये देगा चार बटे बावन एक बटे तेरा हमको चेक करना है कि इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है कि है कि स्वतंत्र स्वतंत्र घटना घटना है नहीं तो के लिए हमको ई e और एफ के लिए इंटरसेक्शन निकालना है e और F के इंटरसेक्शन निकालना है तो हम यहाँ पर निकालेंगे ई e इंटरसेक्शन एफ अब देखो यहाँ पर निकाला गया पत्ता हुकुम का है हर एक पत्ते के एक हुकुम तेरा पत्ते के तेरह हुकुम और इसमें इक्का भी आया है हुकुम का अब वो बोल रहा है एफ निकाला गया पत्ता इक्का हो द कार्ड दोन इज एन एस तो इक्के कितने हुए चार इसमें भी क्या हुआ एक हुकुम का इक्का हुआ तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है इसमें इसमें और इस एक पत्ता कॉमन है दोनों में चार में और तेरह में कौन सा पत्ता कॉमन है हुकुम का इक्का हुकुम का इक्का मतलब जो स्पेड होता है स्पेड होता है वो कॉमन है स्पेड इक्के का तो यहां पर हम लिख लेंगे वन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल कितना जाएगा अनुकूल परिणाम बट परिणाम अब हमको हमको चेक करना करना है, e F events, है एंड आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और स्वतंत्र उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये, ये इसी प्रकार, ये है 15 का फर्स्ट फिफ्टीन में थ्री क्वेश्चन है इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिलिटी ऑफ बी अगर ये दोनों इक्वल आया अगर ये दोनों इक्वल आए तो हम क्या बोलेंगे कि

सॉरी ई e और एफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हिंदी में ई e तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं ई e एंड एफ स्वतंत्र घटनाएं नो no डाउट समझ आया थोड़ा ये कार्ड्स की सीक्वेंस समझ में आ जाना चाहिए तेरह कार्ड्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जे क्यू के आता है ठीक है और ये देखना भाई ये मैंने कुछ और बना दिया एक ये और एक ये इसको हुक्म मान लो स्पेड तो हर एक के साथ ऐसे चार चार टोटल कितने बावन इसमें दो होते काले तो इसको और इसको ब्लैक मान लो और ये दो जो होते ये होते ये रेड तो अगर कलर की बात आएगी आगे क्वेश्चन में तो हर एक में दो काले दो लाल तो तेरा में तेरा में छब्बीस काले छब्बीस लाल कलर के हिसाब से तो अगला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम ऐसे देखेंगे इसको लिखो फिर इसका सेकेंड कर सेकंड ई बोल रहा है निकाला गया पत्ता काले रंग का है ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है यहां पर इंग्लिश में मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं ब्लैक कलर ठीक अच्छा है द कार्ड इज ड्रॉन इज ब्लैक कलर अच्छा एक और यहां पर देखो कितने एक में कितने ब्लैक के दो और तेरह में कितने ब्लैक के छब्बीस तो एन ऑफ ई अगर ब्लैक कलर की बात करें तो टोटल ट्वेंटी सिक्स कार्ड्स है छब्बीस पत्ते काले कलर के और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस छब्बीस काले और टोटल बावन कितना आया वन बाई टू इसमें कोई डाउट नहीं चलो एफ बताओ एफ क्या दिया है एफ दे रहा है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो अब बादशाह के लिए मैं यहां पर सिर्फ किंग लिख दे रहा हूं बताओ कितने किंग एन ऑफ एफ नंबर की बात करें अगर एफ की हम तो कितने किंग कितने किंग आएंगे चार ही आएंगे अच्छा चार किंग में कितने काले दो, दो लाल वो इंटरसेक्शन हो जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल एन ऑफ एफ बाय एन ऑफ एस चार बटे बावन एक बटे तेरह इसमें कोई डाउट है क्या। इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमको ई e और एफ का इंटरसेक्शन चाहिए बताओ इसके अंदर छब्बीस काले रंग के पत्ते और बादशाह चार है और बादशाह में दो काले रंग के मतलब इसमें और इसमें समान क्या हुआ इसमें और इसमें समान क्या हुआ पर पूरे पत्ते निकाले हमने तेरा और हर तेरा पत्ते के दो दो काले पत्ते ब्लैक कार्ड्स तो इसमें इसके वाले दो बादशाह भी शामिल है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल में क्या लिख सकता हूँ दो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल क्या जाएगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन का फॉर्मुला हम लगा देंगे दो बटे बावन अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम ये कितना आ जाएगा हमारे पास वन बाय ट्वेंटी सिक्स हमको तो बताना है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट वेन इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट यदि ई और एफ स्वतंत्र घटना है

वी कैन से ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट सेकेंड वाले में हम बोल सकते हैं ई और एफ कैसी घटना है स्वतंत्र घटना है सेकंड वाला अब थर्ड वाला चेक करना है बताओ कोई डाउट है क्या इसमें जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे प्रोबेबिलिटी निकालो वैसे नंबर निकालो और थोड़ी सी डिटेल बस कार्ड्स के बारे में बता होना चाहिए और बहुत भारी कोई डिटेल नहीं है हर एक के चार पत्ते तो तेरह पत्ते के बावन पत्ते हर एक में दो काले और दो लाल बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है लिखो देखो क्वेश्चन फिफ्टीन का थर्ड निकाला गया पत्ता बादशाह या एक बेगम बादशाह या एक बेगम एक बादशाह या एक बेगम निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम अच्छा मैं यहां पर सिर्फ इतना लिख रहा हूं बादशाह या बेगम ठीक है ये याद रखना किंग और क्वीन अ किंग और क्वीन बताओ इसमें कोई डाउट है क्लियर करो कितने बादशाह कितने क्वीन जब हम एन ऑफ ई की बात करेंगे इसके हिसाब से तो और आया है और मतलब क्या होता है और मतलब होता है यूनियन यूनियन मतलब होता है संघ और या आया है या मतलब होता है संघ संघ मतलब कि ये भी और ये भी दोनों तो किंग कितने होते और क्वीन कितनी होती तो, तो टोटल नंबर की बात करेंगे तो कितना आएगा बहुत अच्छे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल आठ बाय बावन चार से दो बार चार से तेरा बार ठीक है अब एफ की बात करें एफ क्या दिया है एफ दिया है निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम बेगम क्वीन या जी गुलाम ठीक है बेगम या गुलाम जेक, अब या बोला तो एफ नंबर चेक करो कितनी क्वीन चार कितने गुलाम पत्ते कितने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल आठ बटे फिर से कितना है दो बटे तेरह इसमें कोई डाउट है क्या दोनों का इंटरसेक्शन चेक करें दोनों का इंटरसेक्शन चेक करो तो ई इंटरसेक्शन एफ समझ में आ रहा होगा यहाँ किंग और क्वीन है यहाँ क्वीन और जैक है बादशाह बेगम और बेगम और गुलाम तो कॉमन क्या हुआ दोनों में बेगम और कितनी बेगम होती है चार कितनी क्वीन है फोर यहां पर हम कितना लिख देंगे फोर। अच्छा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा फोर। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा मतलब और हमको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट यदि ई तथा एफ

ये इसके इक्वल नहीं है अब जब ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते है? कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है क्लियर फिफ्टीन का थर्ड सिर्फ पढ़ते जाओ रीड करते जाओ कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं कैसे होते हैं उसको चेक करते जाओ कंप्लीट फिफ्टीन क्वेश्चन कंप्लीट बाकी देखते हैं